हेलो एवरीवन, आप सबका अविनाश गौतम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे ऑसम अमेजिंग वेबसाइट्स, ऐसी 10 वेबसाइट्स जो कि आप रोज़ विज़िट कर सकते हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप रोज़ इन्हें ओपन कर सकते हैं किसी ना किसी वर्क के लिए, ये आपके बहुत ही काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली वेबसाइट है onehappybirthday.com। तो जो onehappybirthday.com है, इससे आप 31,747 नामों के लिए बर्थडे विशेस दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आपका नाम है राहुल, ठीक है, और जस्ट मान लीजिए आपका नाम है राहुल और आप यहाँ पर जस्ट सर्च कीजिए राहुल, तो आप देखेंगे कि उस नाम के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा। राहुल के लिए भी है, राहुल कुमार के लिए भी है, तो आप जस्ट उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप उस नाम का हैप्पी बर्थडे सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं, हैप्पी बर्थडे वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, हैप्पी बर्थडे की पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो है ना ये एक अमेजिंग वेबसाइट, जिससे कि आप किसी के भी नाम के लिए वीडियो सॉन्ग या फिर उसके बर्थडे पर उसकी फेसबुक टाइमलाइन पर या कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, उसे एक तरह से छोटा सा आप अपनी तरफ से गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये विशेष दूसरी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, तो आप onehappybirthday.com को खुद ब्राउज कर सकते हैं। सेकंड वेबसाइट है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स एक ऐसी साइट है जहाँ पर आप दुनिया भर में हो रही सर्चिस को एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी मेरे सामने जो पेज ओपन है वो गूगल ट्रेंड्स इंडिया का पेज ओपन है और पिछले 24 घंटों में ट्रेंडिंग सर्चिस जो गूगल इंडिया पर हो रही है वो दिखाई गई हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है ना, गूगल पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, और आप इन्हें कैटेगरीज़ के हिसाब से भी छांट सकते हैं। जैसे कि बिज़नेस अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो वो बिज़नेस की बातें बताएगा, जैसे अभी प्रणब मुखर्जी, आइडिया सेलर और वोडाफोन का कुछ कंप्लाइन हो रहा है ना, तो उसका आ गया। इसी तरह बाकी सारे जो है आपको ये सर्चेस दिखा देगा और आप हर एक सर्च को डिटेल में एनालाइज भी कर सकते हैं, खुद टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारी अगली वेबसाइट है पिक्साबे। तो इमेजेस बहुत ही एक प्रतिभाशाली चीज़ है जिससे हम किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो पिक्साबे एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस प्राप्त कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर हर एक टॉपिक पर आपको इमेज मिल जाएगी और 8,60,000 से भी ज़्यादा फ्री स्टॉक फोटोज़, वैक्टर्स और आर्ट इल्यूस्ट्रेशंस इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। यदि आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप इसके लिए एंड्रॉयड प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ऐप स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर पर भी आपको इसकी ऐप अवेलेबल मिल जाएगी। आप ज़रा लुक करके देखिए कि इसकी जो वेबसाइट है वो कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। आप वेक्टर्स, वेक्टर ग्राफिक्स, इलस्ट्रेशंस कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं और हर एक साइज में अवेलेबल है। उसके लिए आप इस पर एक अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और आप उन्हें सपोर्ट करने के लिए डोनेट भी कर सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जो कि मैं अक्सर विजिट करता हूँ और आपको भी रेकमेंड करता हूँ, बिकॉज आप इन इमेजेस को बिना किसी कॉपीराइट इश्यूज के सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट या ब्लॉग में भी ऐड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी फोर्थ वेबसाइट की तरफ। हमारी फोर्थ वेबसाइट है विकिपीडिया। विकिपीडिया के बारे में तो मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हर एक बंदा विकिपीडिया के बारे में ऑलरेडी जानता है। लेकिन मैंने इस विकिपीडिया के पेज को क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि बहुत सारे बंदे जो है विकिपीडिया होम पेज विजिट नहीं करते। तो यदि आप विकिपीडिया का होम पेज विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको पता चलेगा, मान लीजिए आज का दिन है 31 जनवरी, है ना, तो आपको 31 जनवरी पिछले कुछ सालों में या पिछले दशकों में क्या हुआ ऑन दिस डे में पता चल जाएगा। क्या आपको ये चीज़ें पता है, तो यहाँ पर कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दिए होंगे, पिक्चर्स दी होंगी, तो बहुत कुछ जो यूज़फुल है वो विकिपीडिया की तरफ से, विकिपीडिया के कंटेंट में से छांट कर उन्होंने हर डे वो होम पेज पर लगाते हैं। तो आपके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया सुविधा हो सकती है और आप यहाँ से बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं। अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली वेबसाइट है यूट्यूब। YouTube के बारे में तो अब मैं क्या कहूँ, YouTube पर ही तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। YouTube को इस लिस्ट में इसी कारण से ऐड किया गया है कि आप यहाँ पर रोज़ बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस देख सकते हैं। अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूं तो YouTube कुछ खास पॉपुलर नहीं थी, कुछ चुनिंदा लोग ही YouTube को चलाते थे, लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड स्मार्टफोन का चलन हुआ है तो बहुत सारे लोग YouTube देखने लग गए हैं और बहुत सारे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो भी अब YouTube पर आ गई है। जो नाटक आते हैं टीवी पर, टेलीविज़न शोज, रियलिटी शोज, जैसे कपिल शर्मा शो हो गया, तो बहुत सारे जो हैं ये आजकल सारा कुछ YouTube पर ही आता है और YouTube आज इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। YouTube पर आप हर तरह के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। मान लीजिए आप जिम जाते हैं तो आप जिम के रिलेटेड वीडियोज़ देख सकते हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, है ना। आप कुछ सीखना चाहते हैं,
वो आप देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज कैसे करें, ये कैसे बनाएं, घर में खाना कैसे बनाएं वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। यूट्यूब तो हर एक बंदे को विजिट करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बढ़िया यूज़ के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सिक्स साइट की तरफ। हमारी सिक्स साइट है गूगल इनपुट टूल्स। तो ये साइट मेरा इस लिस्ट में इंक्लूड करने का मकसद है कि हमें बेसिकली, हम सभी हिंदी नेटिव स्पीकर्स हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इंग्लिश कीबोर्ड को यूज़ करके हिंदी में बड़ी आसानी से टाइप कर सकते हैं। आप गूगल, इस वेबसाइट पर जाइए, गूगल इनपुट टूल्स। इन सभी वेबसाइट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी गूगल इनपुट टूल्स में जाइए, आप जिस भी भाषा में आप टाइप करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, जैसे अभी मैं हिंदी में कर रहा हूँ, और आपको जस्ट इंग्लिश में लिखना है। जैसे मैं लिखूँगा, मेरा नाम अविनेश है, तो ये अपने आप लिख देगा मेरा नाम अवनीश है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट का यूज़ आप सोशल नेटवर्किंग के लिए कर सकते हैं। ये विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है, क्रोम वेब ब्राउज़र के लिए भी अवेलेबल है, और इसे आप अपने जो गूगल इनपुट टूल्स है एंड्रॉयड ऐप में, अपने एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाकर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो सेवन्थ नंबर पर वेबसाइट है वो है गूगल न्यूज़। गूगल न्यूज़ एक बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है, लेकिन फिर भी लोग इसे ज़्यादा विज़िट नहीं करते। हर किसी बंदे को गूगल न्यूज़ के बारे में पता नहीं होता। तो गूगल न्यूज़ में आप हर एक भाषा में, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी एडिशन भी है गूगल न्यूज़ का, लेकिन आप हर एक भाषा में, इवन कि पंजाबी और दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं इसमें, आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन अब आपको कस्टमाइज सर्चेस करनी पड़ेंगी। तो अभी आप देख सकते हैं इंडिया एडिशन, और हर एक कंट्री का एडिशन होता है। जैसे एक अखबार होती है ना, अखबार में अलग अलग हेडलाइंस दी होती है, उसी तरह गूगल न्यूज़ में अलग अलग हेडलाइंस दी हुई हैं, लेकिन ये गूगल न्यूज़ की ऑफिशियल मीन्स उन्होंने इकट्ठी न्यूज़ नहीं की, अलग अलग सोर्सेज जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, फर्स्ट पोस्ट, मनी कंट्रोल डॉट कॉम, तो अलग अलग वेबसाइट जो कि गूगल न्यूज़ के लिए रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने वहाँ से खबरें उठाई और यहाँ पर डाल दी। तो आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारी लिस्ट में आठवां नंबर, वो है रैंडम वेबसाइट का, रैंडमनेस एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड। यहाँ पर आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं जो कि बेसिकली रैंडमनेस पर आधारित है। जैसे कि आप कोई लिस्ट है ना, आप उसमें रैंडमाइज कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन है। ड्राइंग्स कर सकते हैं, वेब टूल्स हैं, बहुत सारे गेम्स हैं। अगर आप कुछ भी, जैसे हम कहते हैं ना कॉइन टॉस करते हैं, देखते हैं क्या आता है रैंडमली, वैसे आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक लिस्ट की भी एग्जांपल दूंगा, नंबर्स की है, और जैसे लिस्ट रैंडमाइज़र है, तो इसमें आप किसी भी लिस्ट को रैंडमाइज़ कर सकते हैं। ये आपको वेबसाइट खुद यूज़ करनी पड़ेगी। देखिए, मैंने कुछ भी, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तो मैं अभी रैंडमाइज़ पर क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे ये अक्षरों को रैंडमाइज़ कर सकता है। आप किसी भी टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली रैंडमाइज़ इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल वेबसाइट है। बेसिकली अभी मैंने आपको कुछ खास इसका बताया ही नहीं, क्योंकि वीडियो का टाइम मेरे पास लिमिटेड है। एंड आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा, मींस रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स, और जब मींस जितनी भी चीज़ें आप समझ सकते हैं ना कि रैंडमनेस पर आधारित हो सकती हैं, वो सब चीज़ें आप random.org से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी सेकेंड लास्ट वेबसाइट, जो है नाइन्थ वेबसाइट, उसकी तरफ। तो इस लिस्ट में जो नाइन्थ वेबसाइट है वो है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स बहुत ही पावरफुल है, और जिस नज़रिए से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या दूसरे वर्ड प्रोसेसर एडिटर्स को देखते थे, इसने उसका नज़रिया ही चेंज कर दिया है। तो गूगल डॉक्स की मदद से हम जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सारा काम है ना, हम चाहे तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स बना सकते हैं, एक्सेल की शीट्स बना सकते हैं, बस उसका नाम डिफरेंट है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसका सारा काम आप डॉक्स में कर सकते हैं, एक्सेल का सारा काम आप शीट्स में कर सकते हैं, पावर पॉइंट का सारा काम आप स्लाइड्स में कर सकते हैं। इसी तरह एक और सॉफ्टवेयर होता है उसका, फॉर्म्स का, उसका आप सारा काम फॉर्म्स में कर सकते हैं। बहुत सारे प्री मेड टेम्पलेट्स हैं, और इवन कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से भी काफ़ी पावरफुल है ये, मैं कहूँगा, क्योंकि आप इसमें स्पीच टू टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, आप बोलिए वो ऑटोमेटिकली लिखेगा, इवन कि उसमें हिंदी भाषा भी अवेलेबल है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है, मैं अपने सारे काम गूगल डॉक्स से कर लेता हूँ आसानी से। तो जो हमारी लास्ट वेबसाइट है वो है essaytyper.com। ये एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, आप इससे आसानी से जितने भी मर्जी वर्ड्स के ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको बस करना है क्या, यहाँ पर जिस भी टॉपिक पर आप ऐसे लिखना चाहते हैं उसका नाम लिखिए, कुछ भी हो सकता है, और जैसे मैंने दिवाली लिख दिया अभी, और उसके बाद यहाँ पर ग्रीन बटन पर क्लिक कीजिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। अब आपको बस
स्पेसेस प्रेस करी जानी है और ये ऑटोमेटिकली ऐसे लिख देगा। तो अभी मैंने स्पेस के बटन पर हाथ ही रख लिया, आप देख सकते हैं कितनी फास्ट फास्ट ये ऐसे लिख रहा है। और इसका मैं राज भी बताता हूँ आपको, बेसिकली है क्या, तो ऐसे ऐसे सब कर ही जाएंगे तो ये लिखता जाएगा ऐसे बहुत एंड तक। बेसिकली ये विकिपीडिया से कॉपी करता है सारा कुछ, बेसिकली एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट ही है, लेकिन सारा जो इसका कंटेंट है वो विकिपीडिया से कॉपीड होता है। विकिपीडिया के जो 1-2 रेफरेंसेज आते हैं वो हटा देता है, इमेजेस हटा देता है, टेबल्स हटा देता है, लेकिन सारा कंटेंट वहाँ से उठाता है। तो जो भी टॉपिक विकिपीडिया पर वो अवेलेबल होगा आप उसकी मदद से इस वेबसाइट को यूज़ करके ऐसे लिख पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की टॉप 10 इंटरेस्टिंग और ऑसम वेबसाइट्स की लिस्ट, जिनसे कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हेल्प ले सकते हैं। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, यदि लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ ऐसे ही लाते रहते हैं। धन्यवाद।